हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर जो 31 जुलाई 2016 का हुआ था। गाइस, ये पेपर एसएससी का जो एग्ज़ाम देते हैं उन स्टेनोग्राफर का देते हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है ही, बाकी सबके लिए भी, बिकॉज इसमें जीके और रीजनिंग एक्सप्लेन हुई है बहुत अच्छे तरीके से, तो वो हर एग्ज़ाम में काम आ सकती है। सो गाइस, इसका पैटर्न समझ लेते हैं। पहले स्टेनोग्राफर का पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है, 50 की रीजनिंग एंड 50 की जी के। इसमें मैथ नहीं होती स्टेनोग्राफर में। सो वी विल स्टार्ट विथ जनरल अवेयरनेस। ओके गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिमांड कर्व फॉर वेबलिन गुड्स। सो लेट्स सी ऑप्शंस, हैसा नेगेटिव स्लोप इस ऑर्जन पर। सो इज द राइट आंसर इज हैसा पॉजिटिव स्लोप, बट हाउ। सो हमारे सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि वेबलिन गुड्स होते क्या हैं। सो गाइस, वेबलिन गुड्स आर टाइप ऑफ मटेरियल कमोडिटीज फॉर विच द डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइप है। मीन्स एक तरह से हम इन्हें शॉर्ट में कह सकते हैं, दीज आर लग्जरी गुड्स। ये वो कमोडिटीज़ होती है जिनकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से इनकी डिमांड ज़्यादा है। ज्वेलरी होगी, लग्जरी कार, लग्जरी वॉचेस, वाइन्स, मतलब इनकी कीमतें ज़्यादा है, डेट्स व्हाई इनकी डिमांड ज़्यादा है। तो दीज आर कॉल्ड वेबलिन गुड, देयरफॉर इनका डिमांड कर्व होता है पॉजिटिव स्लोप होता है, क्योंकि प्राइस हाई तो फिर डिमांड भी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एन इकोनॉमिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शिफ्ट टू द राइट वुड मीन, लाइक ऑप्शंस आर देयर। सो द राइट आंसर इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, बट हाउ। सो सबसे पहले वट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो यू कैन सी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ कर्व शोज ऑल मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबिलिटीज फॉर टू गुड्स गिवन। मतलब ये दो गुड्स से मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट वो हमें बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसे पीपीसी भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो डेट्स वाइज की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो रहा है तो इट्स मीन हमारी इकोनॉमिक ग्रो हो रही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर। सो गाइज, देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस सैटियोरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन आर कवर्ड अंडर द 93rd अमेंडमेंट एक्ट। सो गाइज, लाइक इसमें 6 to 14 ईयर के जो चिल्ड्रेंस हैं उनमें एज ग्रुप के कवर हुए हैं। सो द राइट आंसर इज 6 to 14 ईयर्स। द फंडामेंटल राइट आर गारंटी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5, पार्ट 2। सो ये सबसे पहले तो हमारे लिए राइट आंसर हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट बाकी पार्ट में क्या है ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। सो लेट्स सी। सो गाइस, पार्ट 2 में हमें बताते हैं सिटीजनशिप के बारे में, पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 5 द यूनियन। ये चार ऑप्शन आ रखे हैं, इसलिए चारों पढ़ने जरूरी है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो हमसे पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड सीलिंग मीन्स। सो गाइस, लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि एक जो जिनकी ज़मीन है, जो लैंड है, उसको फिक्स कर देना फॉर यूज़, मतलब ये एक इंडिविजुअल का उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दे, डेट इज़ कॉल्ड लैंड सीलिंग। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन बाय एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप इंश्योरेंस कम अंडर। सो क्रॉप इंश्योरेंस कम्स अंडर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ होती है, फूड कॉर्पोरेशन में फूड कॉर्पोरेशन, तो द राइट आंसर इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, द यूनियन स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिक्लेयर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन द ईयर। सो गाइस, इन द ईयर, तो लेट्स सी, द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेयर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1776। इट वॉज द आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड 13 ऑफ इट्स नॉर्थन अमेरिकन कॉलोनी। तो गाइस, दिस इज अ वॉर बिटवीन अ ग्रेट ब्रिटेन और 13 कॉलोनीज, नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज के बीच में एक वॉर था, और तो इन्होंने डिक्लेयर किया था 1776 में, और किसके बीच में था ये जानना भी हमारे लिए, तो ग्रेट ब्रिटेन एंड 13 ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द रेड आर्मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वट इज़ रेड आर्मी। तो फाउंडर ऑफ रेड आर्मी वॉज लियोन ट्रॉट्स्काई। द रेड आर्मी वॉज अ कॉमन नेम फॉर द रशियन नेशनल मिलिट्री फोर्सेज फ्रॉम 1918 to 1946। द नेम रेफर्स टू द कलर। सो गाइज, दिस इज एन रशियन नेशनल मिलिट्री फोर्स फ्रॉम 1918 to 1946, और इसको रेड आर्मी क्यों कहते थे, बिकॉज द कलर इज रेड, सो डेट्स वाई। और फाउंडर कौन थे, लियोन ट्रॉट्स्की। हमने तीन क्वेश्चन कवर कर लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, तीन कैसे हुए, द फर्स्ट, द फाउंडर क्या था, क्या है ये, किसके बीच का होता है, रशियन नेशनल मिलिट्री 1918 से 1946, इसे रेड क्यों कहते थे, बिकॉज कलर रेड था, डेट्स वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। सो गाइस, द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। बिफोर 1911 द कैपिटल ऑफ इंडिया इज
कैलकटा, सो रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ एक्स ले चैपले इन 1748 वॉज कंक्लूडेड एट द एंड ऑफ. सो गाइस, ये हमारे लिए सबसे पहले तो ये जानना भी जरूरी है कि ट्रीटी थी क्या. द ट्रीटी ऑफ एक्स ले चैपले ऑफ 1748 एंडेड द वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन. द रिजल्टिंग ट्रीटी वॉज साइंड ऑन 18 अक्टूबर 1748 बाय ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड डच रिपब्लिक. सो ये ट्रीटी थी एक ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और डच रिपब्लिक के बीच में, और इसे द वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन का एंड हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ब्यूफोर्ट स्केल इज. सो गाइस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्यूफोर्ट स्केल होता क्या है. सो द ब्यूफोर्ट स्केल इज एन एम्पेरिकल मेजर दैट रिलेट्स विंड स्पीड टू ऑब्जर्व कंडीशन एट सी और इन लैंड. तो मतलब जिससे हमें स्पीड, हमें जब विंड की स्पीड का पता लगाना होता है कि विंड की स्पीड क्या है, तो दैट्स वाई जब हम इसे यूज़ करते हैं. और इसकी यूनिट है नॉट्स. विच प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉइन द टर्म यूनाइटेड नेशन. सो गाइस, एफ डी रूजवेल्ट इज अवर आंसर. सो द नेम यूनाइटेड नेशन वॉज कॉइन बाई यूनाइटेड स्टेट्स प्रेजिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वॉज फर्स्ट यूज इन डिक्लेरेशन ऑफ 1 जनवरी 1940 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड. तो ये किसने था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने. और कब था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1 जनवरी ड्यूरिंग द सेकेंड फर्स्ट वॉर 1942. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट. सो गाइस, द आंसर इज TMV. TMV स्टैंड फॉर टबैको मोसैक वायरस. और इसे कब डिस्कवर हुआ था, 1892 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलचिंग हेल्प्स इन. सो मुलचिंग, सो मुलचिंग हेल्प्स इन, वट इज मुलचिंग. सो मुल्च इज अ लेयर ऑफ मटेरियल अप्लाइड टू द सर्फेस ऑफ एन एरिया ऑफ सॉइल. इट्स पर्पज इज टू कंजर्व मॉइस्चर, इम्प्रूव द वेल्थ एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. मीन्स मुलचिंग एक जैसे सॉइल है, उसके ऊपर एक लेयर बिछा देना, उसे मुलचिंग कहते हैं. इससे क्या होता है, कंजर्व सॉइल और मॉइस्चर बना रहता है. तो राइट आंसर इज अवर मॉइस्चर कंजर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच करेक्ट, हमें वो देखना है. तो ऑप्शन है हमारे दामोदर अमरकंटक रिवर्स और एक साइड इनका ओरिजिन. तो दामोदर अमरकंटक प्लेट्यू, रामगंगा उत्तरांचल, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर सन, छोटा नागपुर प्लेट्यू. सो गाइस, द राइट आंसर इज रामगंगा उत्तरांचल. बट हम बाकियों को भी देख लेते हैं कि कौन नदी किससे रिलेटेड है. तो दामोदर है छोटा नागपुर प्लेटू, ब्रह्मपुत्र हिमालय, सोन नदी है अमरकंटक प्लेटू, एंड रामगंगा तो उत्तरांचल है. सो दीज आर दी राइट, दीज आर दी राइट ऑप्शंस, राइट आंसर्स. सो दामोदर कहाँ, छोटा नागपुर प्लेटू, ब्रह्मपुत्र हिमालय, सोन नदी अमरकंटक प्लेटू, एंड रामगंगा उत्तरांचल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट ग्नोमेन वॉज फर्स्ट यूज बाय. तो इट वॉज फर्स्ट यूज by Anaximander. So guys, ये होता क्या, सबसे पहले इस अ पार्ट ऑफ सनडाइल डेट कास्ट अ शेडो. तो इसे शेडो के या फिर इसे टाइम लगा पता लगा के पहले के ज़माने में यूज़ होता था. ये फर्स्ट यूज होता है Anaximander के, Anaximander के द्वारा. और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई वोल्टा. ये ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मिक रेस आर कमिंग फ्रॉम. सो तो इस कॉस्मिक रेस वो होती हैं जो आउट ऑफ स्पेस, मीन्स अर्थ के बाहर से जो रेस आती है उन्हें कॉस्मिक रेस कैसे कहते हैं. तो कॉस्मिक रेस आर कमिंग फ्रॉम इंटरस्टेलर स्पेस. नेक्स्ट, एनियक यूज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ. सो तो एनियक यूज इज द, एनियक के बारे में, एनियक की फुल फॉर्म क्या होती है सबसे पहले, तो इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल एंड इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर्स. सो इट यूज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कैपेसिटी कंप्यूटर्स विच हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर दैट कैन बी परफॉर्म मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड आर कॉल्ड. सो गाइस, दीज कंप्यूटर्स, दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स. ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एक बारी में 1 ट्रिलियन से ज़्यादा कैलकुलेशन, 1 सेकेंड में 1 ट्रिलियन से ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो दीज आर सुपर कंप्यूटर्स. और ये नॉर्मल यूज़ में नहीं होते, ये साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल. सो गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जानना बहुत जरूरी है कि कब जीता. सो द राइट आंसर इज 1928 में इंडिया ने अपना फर्स्ट ओलंपिक हॉकी मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता. टॉमी एमन गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ. तो वैसे ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है. तो टॉमी एमन गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ हॉकी. इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व ऑन. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 22nd ऑफ मे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड ईमेल.
सो गाइस लाइक वी ऑल मोस्ट ऑफ अस यूज़ ईमेल, तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि ह्यूमैनिटी ईमेल जैक डॉर्से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द हर्ट ऑफ इंडिया? सो द ऑथर इज मार्क टुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज डिक्लेयर लीस्ट करप्ट इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2015? सो गाइज अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2015 देखेंगे तो द लीस्ट करप्टेड कंट्री इज डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए? सो गाइज द राइट आंसर इज थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल? सो गाइज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ थ्री एटम्स ऑफ आइदर द सेम और डिफरेंट केमिकल एलिमेंट, मीन्स जो थ्री एटम्स से मिलकर बने होते हैं। तो द राइट आंसर इज ओजोन। मार्बल इज यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग स्टैचू, इट्स केमिकल नेम इज। सो गाइस जो मार्बल है जो काफ़ी जगह यूज होता है तो उसका केमिकल नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ईयर अ मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट कैंपेन इज हेल्ड ड्यूरिंग विच सर्टेन कम्युनिटीज ट्राइब्स प्लांट सैपलिंग्स ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कम्युनिटीज? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गोंड एंड कोरकू। द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन रिसेंट ट्रेंड्स इन गोंड एंड कोरकू ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश ऑफ प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज सैपलिंग कंसिडरिंग विद, मैडम इनके यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है हरी जी रोटी फेस्टिवल, ये गोंड एंड कोरकू ट्राइब्स तो जब ये लगाते हैं, एंड दिस ट्राइब्स इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटांड इन केरला इज फेमस फॉर? सो गाइस दिस इज द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। सो हमें पता होना चाहिए द लोएस्ट एल्टीट्यूड, द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया इज कुटांड इन केरला। आई नेम द टू फेस्ड ड्रम मेड ऑफ मड। सो गाइस द राइट आंसर इज खोल। विच न्यूज पेपर इन इंडिया ब्रॉट आउट द फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन? तो गाइज द फर्स्ट न्यूज पेपर इज द हिंदू टू ब्रॉट द ऑनलाइन एडिशन, द हिंदू इन 1995 में इन्होंने अपना फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट चर्च सेंट थॉमस चर्च इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? सो गाइज इट इज इन द स्टेट ऑफ केरला। सेंट लेकिन पलायूर इन थिरुसूर डिस्ट्रिक्ट इन केरला में है, पलायूर इन थिरुसूर डिस्ट्रिक्ट में, सो केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री पलगट मणि अय्यर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? सो गाइज He is related to the mridangam. So guys, that is for GK. अब हम reasoning समझेंगे, reasoning like we will start reasoning. So the first question is reasoning is OPMN ratio JKHI and then double ratio TURS ratio. So how it comes? So guys, let's see. तो देखिए हमने जैसे पहले O था and then O से जो first word है यहाँ पर, जो first word है O, इसके बाद हमारे सीधा first word J आया, तो how it comes? ओ हमने से हमने 5 माइनस किया, ओ हमारा 15 होता है, इसमें से हमने 5 माइनस किया तो हमारा 10th आ गया जे। ऐसे सिमिलरली हमने पी में से 5 माइनस किया तो हमारा आया के, एम में से 5 माइनस किया तो एच, मीन्स हमने सब में से 5 माइनस किया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, टी में से 5 माइनस करेंगे तो ओ, यू में से 5 माइनस करेंगे तो पी, एंड देन फिर एम एंड देन एन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओ पी एम एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ई आई जे के एल पी क्यू। सो गाइस डी ई आई जे सब के एल पी क्यू कैसे, लेट्स सी। हमने डी में 7 प्लस किया तो आया हमारा के, ई में 7 प्लस किया तो एल, मीन्स हमने इस बार क्या किया, 7 प्लस करते चले गए। सो सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे एफ जी जे क्यू से, एफ में 7 प्लस करेंगे तो आया हमारा एम, जी में 7 प्लस करेंगे तो एन, देन सिमिलरली क्यू एंड आर, तो एम एन क्यू आर इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 4 देन 5 और देन क्वेश्चन मार्क, तो 3 से 4 कैसे बना? सो लेट्स सी गाइस, हेयर हमने क्या करा, 3 का स्क्वायर क्या क्या है हमारे पास, 9, एंड 9 में से हमने 5 माइनस कर दिया तो क्या है 4, मीन्स हमने पहले वाले का स्क्वायर किया और 5 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 5 है, दिस 5, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे 25 और इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36, 16, 81 एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो गाइस हाउ इज इट, तो देखेंगे जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है एंड 16 4 का स्क्वायर, मीन्स पहले 6 का स्क्वायर एंड देन उसमें 2 माइनस किया तो उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, देन 81 किसका स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है तो उसमें से 2 माइनस किया 7 का स्क्वायर इज अवर 49, सो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टेडपोल क्वेश्चन मार्क देन कैटरपिलर बटरफ्लाई, तो इसे कहते क्या? सो लाइक जब जो बेबी बटरफ्लाई होती है जो छोटे होते हैं तो बटरफ्लाई को कैटरपिलर कहते हैं, ऐसी जो टेडपोल होता है दैट इज द बेबी वंस ऑफ फ्रॉग, सो द राइट आंसर इज ए फ्रॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम इक्वल टू मॉस्क्यू, तो सिक्स इक्वल टू मॉस्क्यू मतलब होता है मस्जिद. सो जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं प्रे करने के लिए, तो ऐसी जो सिक्स लोग सिख होते हैं वो जाते हैं गुरुद्वारे में, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ई एफ के एल यू वी ओ पी देन सी डी जी एच एंड देन दिस, तो हाउ इट कम्स टू, वैसे फर्स्ट ई था, हमने इसमें यू प्लस किया, ई प्लस यू मीन्स ई हमारा फिफ्थ होता है और यू 21 होता है, तो हमारा टोटल कितना है 26, मीन्स हमने इन दोनों को प्लस किया. देन हमने एफ और वी को किया तो 28, देन 26 मीन्स पहले को प्लस किया तो दोनों जगह के पहले ई और यू को प्लस किया 26, फिर 28, फिर 26, फिर 28. तो सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, सी हमारा थर्ड वर्ड होता है, हमें 26 सही है, तो 23 और प्लस करेंगे, 23 कितना होता है डब्ल्यू. देन डी, डी हमारा 4 होता है, इस बार हमें 28 चाहिए, तो इसमें 24 प्लस करेंगे, डेट इज़ हमारा एक्स. सिमिलरली 26 बनाने के लिए एस प्लस करेंगे एंड टी प्लस करेंगे, सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 8 to 12 फाइंड द ऑड वर्ड लेटर विच फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, सो हमें इसमें से सबसे ऑड वर्ड निकालना है, सबसे अलग हो. सो गाइस लेट्स सी, तो गाइस देखिए चार ऑप्शन में, इनमें जो वर्ड है ए बी डी ई ओ पी एल एम वाई जेड जे के आर एस, मीन्स इसमें अल्फाबेटिकली वाइस है, मीन्स पहले डी आता है, फिर ई आता है, फिर ओ आता है, पी आता है, देन ऑप्शन सी में हमारे एल आता है, फिर एम आता है, फिर वाई जेड एंड सिमिलरली डी, लेकिन बी ऑप्शन में सब इधर उधर है, नॉट इन द सेम सीरीज, सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 163 9, तो वैसे इसमें देखिए जो हम अगर जैसे ऑप्शन सी है, इसमें हम फर्स्ट और थर्ड को प्लस करेंगे तो हमारा सेकेंड आ जाएगा, मीन्स 14 into 8 = 112, 19 into 4 = 76, बट 17 और 9 को प्लस करेंगे तो 163 नहीं आता, 153 आता है, सो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर बिकॉज ये सबसे अलग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 13, ऑप्शन ए बी 130 26, तो इसमें क्या है, इन ऑप्शन इफ़ यू मल्टीप्लाई द सेकेंड विद 5 वी गेट द फर्स्ट टर्म, तो मतलब हमने 13 को 5 से इंटू करा तो हमें 65 आया, 26 को 5 से इंटू करा तो 30 आया, बट अगर हमने 16 को 5 से इंटू किया तो 75 नहीं आया, 37 80, तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉन्ड सी रिवर एंड लेक, सो गाइस यू कैन सी लाइक लेक, जब हम पॉन्ड रिवर और लेक की बात करें तो वी आर टॉकिंग इन स्मॉल, हम बहुत छोटी चीज़ की बात करें, जब हम लेकिन सी की बात करें तो बहुत बड़ी, तो सबसे लेकिन एक पार्ट हो सकते हैं सी के, तो द राइट ऑप्शन इज अवर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमेट हेमलेट कैप एंड विग, सो गाइस जब हम ऑप्शन ए सी और डी देखेंगे, हेलमेट कैप और विग, तो लाइक वी कैन रिलेट देम विथ हेड, मीन्स ये हम सर के ऊपर पहनने वाली चीज़ें हैं सारी, बट हेमलेट इज समथिंग एल्स, सो हेमलेट इज अवर राइट आंसर. 13, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इंक्रीजेस बाय 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व द रूल गिवन, सो गाइस इसमें एक एक से बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा कौन सी सीरीज, हमने चेक करी, तो जब हम ऑप्शन नंबर सेकेंड देखेंगे बी, तो उसमें देखिए बी डी में कितना प्लस किया, हमने बी में 2 प्लस किया तो हमारा डी आ गया, फिर हमने डी में 3 प्लस किया तो जी आया, फिर जी में 4 प्लस किया, मीन्स हमने पहले 2 3 4 5 6 प्लस किया तो हमारा करेक्ट आंसर आया, तो डेट्स वाई ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द सेकेंड वर्ड, तो हमें जो वर्ड है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, दीस आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सो गाइस अल्फाबेटिकल मीन्स एस वर्ड्स ऑकर्ड इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं हमने जब लगाए तो हमने देखा सबसे ई आता है, देन सबसे फर्स्ट वर्ड आएगा एंटरप्राइज, देन एंथुसियाज्म, देन एंट्रेंच, देन एफिमरल एंड देन एक्सीलरेट, सो हमें कौन सा सेकेंड वर्ड बताना था, वी हैव टू टेल सेकेंड वर्ड, सो द सेकेंड वर्ड इज एंथुसियाज्म, सो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 15 and 16 अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, हमें इन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है,
सो गाइस लेट्स सी डिक्शनरी का कोडिंग। डिक्शनरी में आपको पता ही होगा लेकिन हम एक बार फिर बताते हैं। जैसे डिक्शनरी में होता है तो फर्स्ट सबसे पहले ए आता है, देन बी, देन सी, तो सीरियल वाइज आते हैं इसमें। तो जब हमने देखा तो डिक्शनरी का ऑर्डर तो सबसे पहले नेगेटिव आया, देन नेगलिजेंस, देन नेगलिजेंट, देन नेगोशिएबल एंड देन नेगोशिएट। सो द सीरीज द राइट आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम हमें यही करना है कि कोलेस्ट्रॉल, कोरियोग्राफी, चॉकोलेटियर एंड देन ट्रेस्टोमैथी। तो हमने इन्हें जब सीरीज के अकॉर्डिंग लगाया तो हमारा चॉकोलेटियर, कोलेस्ट्रॉल, कोरियोग्राफी एंड ट्रेस्टोमैथी। सो द राइट आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर ए। यू कैन ट्राई देम एंड आप इन्हें डिक्शनरी के ऑर्डर लगाइए। सो द राइट आंसर इज द सीरीज यही बनेगी जो एक्सप्लेनेशन में दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 विच सेट ऑफ लेटर व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग। मीन्स गाइस ये जो हमें ब्लैंक दे रखा है इसमें, और हमें इस ब्लैंक में भर के एक सीरीज बनानी है। जब हमने भरा इसमें सारे ऑप्शन ट्राई किए तो गाइस यू कैन सी, जैसे हमने फर्स्ट इसमें अगर हम एक्स भरा, यहाँ पे एक्स और यू भरा, मीन्स हमने ऑप्शन बी ट्राई किया। सो गाइस यू कैन सी हमारी सीरीज बन गई है डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू, फिर हमने डैश, फिर डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू डब्ल्यू, मीन्स हर चार के बाद हमें स्किप करना है और हमारी सीरीज बन जाएगी डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू, हमें यही सीरीज बनती है। गाइस इसमें तरीका ये होता है कि आप हर ऑप्शन का एक एक बार ट्राई कीजिए, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमर नहीं होता, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं हर ऑप्शन को एक बार। जैसे ऑप्शन ए है तो एक बार एक्स यहाँ पे पुट कीजिए, डब्ल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, देन यू यहाँ पे पुट कीजिए और देखिए कि कोई सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है। जब हम राइट आंसर पुट करेंगे तो कोई ना कोई सीरीज बन जाएगी, जैसे हमारी बनी डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम है लाइक डैश दे रखे हमें करना है तो कौन सी सीरीज पर है, तो इस बार ऑप्शन ए हमने ट्राई किया। तो देखिए इस बार भी हमने चार चार का गैप दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे बी सी ए बी सी भर दिया हमने, देन हमें सीरीज क्या बनी सी सी बी ए सी सी ए बी सी सी, मीन्स सी सी बी ए सी सी ए बी सी सी बी ए सी सी ए बी, मीन्स ये हमारी एक सीरीज बन गई है सी सी बी ए सी सी ए बी। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। आप सारे ट्राई कीजिए एक बार, ऑप्शन बी डी सी ट्राई कीजिए एक बार उसमें फिलअप करके, देन देखिए कि सीरीज बनती है कि नहीं बनती, कोई सीरीज नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 सीरीज इन गिवन विच वन टर्म इज मिसिंग। ओके, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कम्प्लीट द सीरीज। तो गाइस इसमें जो हमें एक सीरीज में एक जो लास्ट वर्ड डैश दे रखा है यहाँ पे हर एक में मिसिंग है, उसमें हमें बताना है क्या है। सो गाइस एज यू कैन सी लाइक 36, 34, देन 30, 28, 24, देन यहाँ पे क्या है, तो हम सीरीज में बता के रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। लेट्स सी, तो 36 में से हमने 2 माइनस के 34, फिर 34 में से 4 माइनस के 30, देन फिर 2 माइनस के 20, मीन्स हमने पहले 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया एंड देन फिर लास्ट में हम क्या करेंगे 2 माइनस, तो हमारा आ जाएगा 22। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाई डी बी वाई एफ डी आर एच डैश के जी है। सो यू कैन सी लाइक हमने पहले देखा ए, देखिए अब हर उसमें तीन तीन वर्ड है, सो इट कैन बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट देखते हैं, ए से बी देन डी, ए से बी बना हमने एक प्लस किया बी आ गया, देन हमने क्या किया दो प्लस किया सी डी, देन अब हम कितना, मीन्स पहले एक फिर दो फिर तीन ई एफ जी, जी आएगा हमारा एंड देन चार प्लस किया हमने, तो ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या किया, वाई में से तीन माइनस किया, क्या आया हमारा वी, फिर वी में से चार माइनस किया फिर आर आया, आर में से पाँच माइनस किया एम, एम में से पाँच माइनस किया जी, दिस इज सेकेंड वन। नेक्स्ट में हमने क्या किया, डी में टू प्लस किया एफ, एफ में टू प्लस किया एच, एच में टू, मीन्स इस बार सब में हमने तीन दो दो प्लस कर दिए, तो हमारा राइट आंसर क्या है के जी एंड एल, ऑप्शन नंबर सॉरी राइट आंसर जी एम एंड जे, कि ये तो ऑलरेडी गिवन हमें ये दिस वाली सीरीज निकालनी है ये वाली जी एम जे, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड मेमोरेंडम इज रिटन एज दिस, हाउ कैन दिस बी रिटन। सो गाइस ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आप ढूंढते रहेंगे, ये इसको सॉल्यूशन आपको किस तरह से अरेंज किया है ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा, बिकॉज इसमें इन्होंने अरेंज करा ही नहीं है। बिकॉज यू कैन सी जैसे मेमोरेंडम है और जो वर्ड इन्होंने दिया है, इनमें जो लेटर्स हैं
वो सेम है 11, एंड इसमें भी हमने 11 है। जब हमने इसका देखा मेंडेविलियम, इस पर 11 लेटर्स हैं, लेकिन जब ऑप्शंस में देखा तो ऑप्शन बी डी एंड सी में ओनली 10 लेटर्स थे, और जो ऑप्शन ए है सिर्फ इसमें ही 11 लेटर। ये कोई सीरीज नहीं, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ये सिर्फ इधर उधर ध्यान भटकाने के लिए। तो इसलिए हमने ऐसे किया, मेमोरेंडम में भी 11 वर्ड थे, इसमें भी 11 वर्ड, कोई किसी भी तरह से अरेंज करा हुआ इन्होंने, और मेंडेलियम में भी 11 वर्ड्स थे और सिर्फ एक ऑप्शन ए है जिसमें 11 वर्ड्स हैं। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बैलून इज कोडेड एज दिस देन लेगोन इज कोडेड। तो गाइस इसमें से हम क्या करेंगे कि बैलून में से देखिए यहाँ पे जितने वर्ड बैलून में है 7 वर्ड है, और 7 ही हमें कोड दिए गए हैं। मीन्स हर एक वर्ड का हर एक पे अपना कोड है। बी का कोड है 05, ए का कोड है 04, एल का कोड है 15। सो दैट्स वाई, तो हमें लेगून का निकालना है। तो एल का कोड हम पहले देखते हैं, एल का देखिए थर्ड वर्ड है एल येरा, तो इसका क्या कोड है 15, तो पहला तो हमारा 15 आ गया। अब ए का कोड क्या है 4, तो हमारा 4 आ गया। तो यू कैन सी ऑप्शन ए ही है हमारे पास, तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। अब एक बार जी देखते हैं गाइस, इसमें देखिए जी है, लेकिन जी का तो हमारे पास कोई कोड ही नहीं देखा, लेकिन इसमें देखिए इसमें कोड जो है सबसे अलग है 10, और वो कोड किसी का भी नहीं है। इसका मतलब ये जो 10 है ये कोड जी का है, ये तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इंट्रोड्यूसिंग गीता, सीता सेड सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गीता। सो गाइस इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप इन्हें कोरिलेट कीजिए अपने से, देखिए थोड़ा रिलेशन मार्क कोशिश कीजिए। सो लेट अस ट्राई। सो गीता को इंट्रोड्यूस करते हैं, सीता ने कहा सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मीन्स जो सीता के पिताजी है उनकी इकलौती बेटी कौन ही, सीता उनकी इकलौती बेटी है, तो मीन्स वो गीता कौन ही, सीता की बेटी। तो हाउ इज सीता रिलेटेड टू गीता, तो वो सीता क्या बेटी है उनकी। सो द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस, यहाँ पे डॉटर होना चाहिए था। अगेन एक बार देखते हैं हम, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। सीता ने कहा इंट्रोड्यूसिंग गीता सीता ने कहा कि वह मेरे पिताजी, तो सीता जी के पिताजी कौन है, सीता जी की बेटी कौन ही, सीता, और इकलौती बेटी है उन्होंने बता रखा, सी इज द ओनली डॉटर, तो सीता हुई और उसकी बेटी है, तो सीता की बेटी हुई गीता। तो हाउ इज सीता रिलेटेड टू गीता, तो सॉरी उसकी मदर होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अगेन सेम, द बॉय इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ द ओनली सन ऑफ सुरेश मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू डैट बॉय। तो एक फोटोग्राफ में एक लड़का बना था, उसको देखते हुए कहा था दैट द ओनली सन ऑफ द ओनली सन ऑफ सुरेश मदर, सुरेश की जो मदर हैं उनके इकलौता बेटा, तो ऑब्वियसली बात है जब एक ही बेटा है और कोई है ही नहीं तो सुरेश ही होगा, और उनका इकलौता बेटा है जो फोटोग्राफ में लड़का बना हुआ है, तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू डैट बॉय, तो सुरेश उनका क्या लगा, उनका इकलौते तो बेटा है तो वो क्या हुए फादर। सो दिस इज अवर राइट आंसर। इनको कोरिलेट कीजिए, एक बार देखिए खुद ट्राई कीजिए, तब जाके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट वर्ड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स दैट कैन मेक फ्रॉम द फॉलोइंग लेटर। तो मैं इसमें से निकाल लूँ, तो लेट सी द वर्ड, इसमें से हमें मैक्सिमम लॉन्गेस्ट वर्ड बनाना है, तो दिस इज अवर वर्ड, तो इसमें देखते हैं क्या क्या बन सकता है। देखिए ऑप्शन ए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो बनना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑनेस्टी, इसमें वाई तो है ही नहीं कहीं पर, शॉर्टन आर तो है ही नहीं कहीं पर, टेंस में एक ही ई है और ये दो ही दे रखे हैं इसमें, सो द राइट आंसर इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का सब इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें बताना है इनमें से क्या इससे बन सकता है, जनरली इससे क्या क्या बन सकता है। तो हम देखते हैं, बस जर्नी ई भी नहीं है हमारे पास, वाई भी नहीं है, टूरिस्ट देखिए टी ओ यू आर आई एस टी हमारे पास, देखिए टूरिस्ट में दो टी है हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने टी है, एक ही टी है। नेशन हम दो एन चाहिए लेकिन हमारे कितना एक ही एन है, और राशन इसके सारे वर्ड अवेलेबल हैं, तो राशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन इज, तो इसमें से हमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो गाइस यू कैन सी इसमें देखिए जो टेबल में बना हुआ है इसमें से क्वेश्चन मार्क है, हमें ये नंबर बताना है कि व्हाट इज दिस, यहाँ पे इसके प्लेस में क्या आएगा, तो ये आया कैसे, लेट्स सी। तो गाइस देखिए फर्स्ट ऑफ 40
देन हमने इसमें 36 प्लस किया, प्लस 2 कर दिया, तो हमारा थर्ड वर्ड आ गया, मीन्स पहले प्लस दूसरा प्लस 2, ऐसे 41 प्लस 54 प्लस 2 97। तो सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा कि इसमें ये प्लस करके प्लस 2 करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो 26 प्लस 37 प्लस 2 इक्वल टू हमारा 65। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 9 किलोमीटर, अगेन सी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो गाइस लेट्स सी, तो इसमें सबसे पहले का लता वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, हम वन बाय स्टेप बाय स्टेप करें। तो मान लीजिए ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, उसने नॉर्थ की तरफ जाना शुरू करा और यहाँ पे आके रुक गई 7 किलोमीटर। देन टर्न टू हर, तो उस साइड जा रही है तो उसका लेफ्ट ये हुआ, वो लेफ्ट मुड़ी और 9 किलोमीटर गई। अगेन सी टर्न टू एंड वॉक, तो इस बार लेफ्ट ये होगा और 7 किलोमीटर गई। देखिए ये जो 7 किलोमीटर है ये भी 7 किलोमीटर है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम है, मीन्स दे आर पैरेलल लाइंस। तो हाउ फार इज सी इज फ्रॉम, तो जो हमारा डिस्टेंस है तो यही वाला तो डिस्टेंस बचा, क्योंकि ये और ये तो इक्वल है, और ये कितना था, ये इसके इक्वल होगा, डेट इज 9 किलोमीटर। सो दिस इज अवर राइट आंसर, 9 किलोमीटर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी आर सिटिंग फेस टू फेस इन अ टी शॉप एट अबाउट 7 AM। Due to sun rays falling on his face, B shifts his place and sits next to A. Which direction are both facing now? Means guys, ये questions में कह रहा है कि like A और B face to face means आमने सामने बैठे हुए हैं, और B के चेहरे पे सुबह के टाइम धूप पड़ती है तो वो उसके साथ A के साथ जाके बैठ जाते हैं। तो guys सबसे पहले ये भी एक ट्रिकी सिंपल सोचने वाला क्वेश्चन है कि जो द सन राइसेस इन द ईस्ट, मीन्स अगर ईस्ट में सन राइज हुआ है तो उसकी जो रेस पड़ रही होंगी वो वेस्ट साइड में पड़ रही होंगी, उस साइड को मतलब उस साइड को मुंह कर रखा होगा बी ने ईस्ट में। सो इसका मतलब बी ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठा है एंड ए वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठा है, बिकॉज ओपोजिट डायरेक्शन तो ईस्ट वेस्ट ही होती है। बी ने ईस्ट की तरफ मुंह कर रखा है जब भी उसके मुंह पे रेस पड़ रही है, और ए ने ए की तरफ वेस्ट की तरफ मुंह कर रखा है। सो डेट्स वाई, तो बी ने उठ के अपनी पोजिशन चेंज कर ली ए के साथ, तो अब दोनों किस तरफ मुंह करके बैठे हुए, वेस्ट की तरफ। डेट्स वाई ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माइनस 10 फॉर मल्टीप्लीकेशन, प्लस फॉर डिवीजन, डिवीजन फॉर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन फॉर सब्ट्रैक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। सो इस हम पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें अगर उनके साइन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस तो क्या हमारा राइट आंसर आएगा। लेट्स, तो हमने देखा तो 40 एडिशन को चेंज करता डिवीजन से, माइनस को करना था इंटू से, तो हमने चेंज किया तो 40 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7, तो हमारा 35 इज अवर राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, इफ मल्टीप्लीकेशन मीन्स सब्सट्रैक्शन, डिवीजन मीन्स एडिकेशन, एडिशन प्लस एडिशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड सब्सट्रैक्शन मीन्स डिवीजन, सो इसमें वैल्यू क्या है, इस पर हमें क्वेश्चन देखा उसमें चेंज करना है। तो क्या जब हमने सारी चेंज करा दैट्स हेयर, तो हमारा राइट आंसर क्या है इसके हम सॉल्व करेंगे तो 270, बिकॉज 200 माइनस हमने इसको डिवाइड किया तो 180 डिवाइड बाई 92 और 12 इंटू 672, तो हमने इसे सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते देन सॉल्व किया तो 270 सब राइट आंसर। सो दिस इज इट फॉर रीजनिंग। अब हमारा इंग्लिश का सेक्शन है गाइस, जो इसमें आंसर्स दे रखे हैं दीज आर 100% करेक्ट, बिकॉज दीज आर ऑफिशियल आंसर जो ISSC ने अपने आंसर की दी थी उसके ये सारे आंसर, और इंग्लिश के सारे हमने आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं। सो यू कैन सी चेक एंड ट्राई योर सेल्फ इंग्लिश, बहुत आसान इंग्लिश आप कर सकते हैं, तो इंग्लिश में आप एक बार देख लीजिए सारे आंसर्स चेक कर लीजिए। इंग्लिश 100 नंबर की आती है, इसमें क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट, आप इसके एक बार फॉर्मेट देख सकते हैं, इसमें 10 नंबर के इस द एरर है, इसमें हमें एरर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा पार्ट गलत है इसमें वो देखना होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, जिसमें क्या आ सकता है। तो डैश आई डैश यू टू बी होम बाय 8 o'clock, सो इसमें जो बेस्ट कौन सा है, तो आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम 8 बजे से पहले घर आ जाओगे। सो डैट इज, तो ऐसे 5 क्वेश्चन इसमें, तो आप पेपर के एक बार फॉर्मेट देख के चल सकते हैं राइट आंसर, अगर आपने एग्जाम दिया है इस बार को तो आप अपना चेक करके एक बार आंसर मिला सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट आर दीज आर विच बेस्ट एक्सप्रेसिव, मीन्स दीज आर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स भी आते हैं, इसमें 5 सिनोनिम्स हैं, लाइक यू कैन सी, एंड देन 5 एंटोनिम्स हैं, दीज आर एंटोनिम्स।
देन इन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बिफोर ये दीस आर आइडियम्स फ्रेसिस भी आते हैं इसमें, लाइक इसमें जो अंडरलाइन करे हुए दीस आर आइडियम्स और इसका जो मीनिंग है हमें वो बताना होता है। एंड देन दीस आर जम्बल वर्ड्स, हमें इन्हें रीअरेंज करना होता है। दीस आर फाइव क्वेश्चन। तो गाइस ये पैटर्न होता है एसएससी स्टेनोग्राफी का, जो इंग्लिश होती है वो बहुत बेसिक से स्टार्ट होके एंड देन लाइक अगर आप बेसिक भी क्लियर कर लेंगे तो आप काफ़ी हद तक इसे क्लियर कर सकते हैं। सो दीस आर एक्टिव पैसिव वॉइस, क्योंकि इसमें 10 नंबर्स के तो सीधा सीधा एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, एस यू कैन सी। सो सारे के सारे एक्टिव पैसिव आते हैं। सो इसमें जो सिंपल पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे थे, यू जस्ट नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अगर आपने कर रखे तो वही। एंड देन इट कम्स लाइक इसमें पार्ट को हमने अंडरलाइन कर रखा है, हमें इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हमें वो बताएं, तो बेस्ट इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है, और नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट। सो दीस आर दी क्वेश्चंस। एंड देन हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी 10 नंबर के आते हैं, 10 नंबर के एक्टिव पैसिव, 10 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 10 नंबर के स्पॉट डायरेक्ट। सो गाइस दीज ये पैटर्न है, ये मैंने आपको पैटर्न दिखाने के लिए इसी फिर ये सारा इंग्लिश का वो करा, ताकि आप एक बार जान सके अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं स्टेनोग्राफर का, तो यू शुड नो द पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल उसका क्या, आप ये आंसर्स दे रखें, आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सो डैट आपको आसानी हो आगे जब आप नेक्स्ट टाइम पेपर देने जाएँ। एंड दीज आर क्लॉज टेस्ट, जिसे कहते हैं हम क्लॉज टेस्ट, दीज आर क्लॉज टेस्ट। इसमें लाइक इस पैराग्राफ में बीच में दिस इज अ डैश, ये दिस कॉलम्स आर, हमें ये देख के 66-67 क्वेश्चन नंबर इन्हें हमें भरना होता है। सो दिस आर द राइट आंसर्स, जो जो राइट आंसर है गाइस वो बोल्ड हो रखे हैं, यू कैन से इफ यू, अगर आपको आंसर की मैच करनी है तो आप कर सकते हैं इसमें, दिस ऑल आर राइट आंसर्स। सो देन नेक्स्ट अगेन क्लॉज टेस्ट, दो क्लॉज टेस्ट हैं इस बार 10-10 मार्क्स के। सो इसे बहुत ईजी हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस करें तो, उसमें पेपर सेट पैटर्न है और हो जाता है और पैसे जाते हैं दो, यू कैन सी। आप पूरा पैसेज पढ़ के एक बार इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, होप आप काफी अच्छी तरह तक अच्छा कर लेंगे, इट विल हेल्प यू। ये सारे पैसेज के क्वेश्चन हैं, सो लाइक ओनली तीन पैसेज इस बार आए थे, एंड लाइक दे आर वेरी सिंपल, और आप चाहें तो आप इजीली कर सकते हो। दीज आर 100 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। एंड ये पेपर आप तैयारी करेंगे और देखेंगे तो काफ़ी आसानी से हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड लाइक इफ इट इज़ यूजफुल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Thank you.